1500 प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ कारवा मोबाइल। कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ, और फिर एक नए शो के साथ मैं लौट आई हूँ विद अ न्यू प्लेलिस्ट और फिल्मी दुनिया के दिलचस्प किस्से कहानियां लेकर के। वैसे हम सभी की लाइफ में किसी ना किसी फेज में तो एक टीचर रही ही है जिसने बड़ा इन्फ्लुएंस किया हो हमारी जिंदगी को, चाहे वो किताब की नॉलेज देने वाले टीचर हो या जिंदगी के पाठ पढ़ाने वाले लोग और एक्सपीरियंसेस। लेकिन जो हर फेज में एक कॉमन टीचर रहा है वो है म्यूजिक। म्यूजिक जो दिमाग के शोर को शांत करके दिल को सुकून पहुंचा जाता है। खुशी, दुख, गुस्सा, शांति जैसे हर इमोशन में साथ देता है, ठीक उन पुराने गानों की तरह जो सारेगामा कारवा के हिट कलेक्शन में है। वैसे वक्त के साथ सारेगामा कारवा ने अपने कई एवरग्रीन गानों को नए अंदाज में लॉन्च किया, समटाइम्स इन फॉर्म ऑफ एन एल्बम और समटाइम्स अ सीक्वल। लेकिन लेटली सारेगामा कारवा के गाने ऐसी फिल्मों में आने लगे हैं जो कि OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुए हैं, एंड वन सच फिल्म बीइंग म्यूजिक टीचर, डायरेक्टेड बाय सार्थक गुप्ता। म्यूजिक टीचर फिल्म इज अ रोमांटिक म्यूजिक सागा अबाउट लव एंड लॉन्गिंग, जिसमें पहली बार टैलेंटेड एक्टर्स दिव्या दत्ता और मानव कौल ने साथ में लीड एक्टर्स के बतौर काम किया था। वैसे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था और लिखा भी था सार्थक गुप्ता ने। इस फिल्म का म्यूजिक इज कंपोज्ड बाय रोचक कोहली, जिन्होंने हिंदी सिनेमा के दो क्लासिक गानों को रिकम्पोज किया जो कि ओरिजिनली कंपोज किए गए थे बाय आर.डी. बर्मन। सुनाऊंगी आपको ये गाने, साथ ही इस फिल्म के कुछ ओरिजिनल गाने भी, लेकिन उसके पहले आपको बताना चाहूंगी कि इस फिल्म में क्या आपको पता है कि सार्थक पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कास्ट करना चाहते थे फॉर द लीड रोल, जिसके लिए सार्थक नवाजुद्दीन से कुछ 3 सालों तक बातचीत में थे। लेकिन यू नो ड्यूरिंग दिस टाइम सार्थक जब कोशिश कर रहे थे टू गैदर फंड्स फॉर द मूवी, उस समय नवाजुद्दीन एक्चुअली एक बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए। इतने बड़े स्टार बन गए कि सार्थक डिड नॉट हैव इनफ फंड्स टू अकोमोडेट अ स्टार लाइक हिम एंड गिव हिम व्हाट ही डिजर्व्ड। ऑल्सो फिल्म पहले वेस्ट बंगाल में शूट होने वाली थी और फिर जाकर के इस शूटिंग स्केड्यूल को भी, शूटिंग लोकेशन को भी चेंज कर दिया गया था टू हिमाचल प्रदेश। तो इसलिए भाई ना तो ये फिल्म वेस्ट बंगाल में शूट हुई और ना ही हमें इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी दिखाई दिए। मानव कौल, जिसे सार्थक ने फाइनली लीड रोल के लिए साइन किया, वो भी पहाड़ी ही थे, एंड समहाउ ही फिट द पार्ट रियली वेल, एंड दैट इज हाउ बहुत ही इजीली ये पार्ट जो था वो मानव कौल को दे दिया गया। वैसे फिल्म का नाम है म्यूजिक टीचर, एंड दैट रिमाइंड्स मी कि इस फिल्म के म्यूजिक कंपोजर रोचक कोहली का प्रोफेशन एक म्यूजिशियन से पहले कुछ और ही था। एक ऐसा करियर वो परस्यू कर रहे थे जिसका म्यूजिक से कुछ लेना देना ही नहीं था। बताऊंगी आपको ये किस्सा कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं द रिक्रिएशन ऑफ किशोर कुमार फिर वही रात फ्रॉम द फिल्म घर। पुराना वाला तो हम अक्सर कारवा क्लासिक्स पर सुनते ही हैं, आइए सुनते हैं इसका नया वर्जन, द रिकम्पोज्ड वर्जन बाय रोचक कोहली एंड पापॉन। सुनते रहिए कारवा क्लासिक्स रेडियो शो मेरी यानी रुचि के साथ। फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की, हो रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है। जब कोई सपना चले हो हमको बुलाने ना तुम,
पलकों के पर्दे तले हो ये रात है ख्वाब की रात है फिर वही रात है फिर वही रात है फिर वही रात है ख्वाब की ख्वाब है आंखों में चुभ जाएंगे हो पलकों में लेना इन्हें आंखों में रुक जाएंगे हो रात है ख्वाब की रात है फिर वही रात है फिर वही रात है फिर वही रात है ख्वाब की फिर वही रात है फिर वही रात है ख्वाब की रात है ख्वाब की रात है ख्वाब कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। आज हम सारेगामा कारवा के 5000 क्लासिक गानों की प्लेलिस्ट में से म्यूजिक टीचर फिल्म के गाने सुन रहे हैं। वैसे आपको मैं सारेगामा कारवा के डिजिटल म्यूजिक प्लेयर के बारे में तो कई बार बता चुकी हूँ, जिसमें पुराने गानों के साथ साथ आप ब्लूटूथ और USB फीचर्स के साथ नए गाने भी सुन सकते हैं। लेकिन अब आप यही क्लासिक लेजेंडरी आर्टिस्ट के गाने अपने सारेगामा कारवा मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। जी हाँ, कारवा मोबाइल के 1500 प्री लोडेड एवरग्रीन हिंदी सॉन्ग सुनिए मोबाइल पर विद सुपर पावरफुल स्पीकर्स। व्हाट नाउ टॉकिंग अबाउट द म्यूजिक ऑफ द फिल्म एंड द कंपोजर ऑफ द फिल्म म्यूजिक टीचर, जिसके गाने आज हम सुन रहे हैं, रोचक कोहली। सबसे पहले तो मेरा इनके साथ बहुत पुराना नाता है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन क्या आपको पता है, रोचक कोहली पहले एक लॉयर थे एंड देन ही बिकेम अ म्यूजिशियन। रोचक एक लॉयर्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं और साल 2006 में उन्होंने एज अ लॉयर अपना करियर शुरू किया था। उस समय प्राइवेट FM रेडियो स्टेशन उनके शहर आया ही था। म्यूजिक वैसे तो रोचक को हमेशा से पसंद था, इवन एज अ किड, क्योंकि कॉलेज के समय में उन्होंने काफी म्यूजिक और थिएटर इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था। रोचक चंडीगढ़ के DAV कॉलेज में थे एंड ही वुड विन ऑल दीज फेस्टिवल्स एट IIT बॉम्बे एंड बिट्स पिलानी एटसेट्रा इन थिएटर एंड म्यूजिक। इसीलिए रोचक ने ये तो सोच के रखा था कि यार म्यूजिक में कुछ ना कुछ तो करना ही है, लॉयर भी बन गए अगर तो 20 साल बाद सही, रिटायरमेंट के बाद सही, सबैटिकल जब लेंगे तब सही। लेकिन रोचक म्यूजिक डेफिनेटली परस्यू करना चाहते थे, बट इट हैपेंड वे टू सून फॉर हिम, क्योंकि ये जो प्राइवेट रेडियो स्टेशन उनके शहर में आया, एट दैट टाइम ही वॉन्टेड टू गिव इट अ शॉट। रोचक ने जाकर रेडियो के लिए ऑडिशंस दिए और वो सिलेक्ट हो गए। अब सिलेक्ट होने पर ही वंडर्ड कि पेरेंट्स को क्या बताया जाए, तो उन्होंने ये कह दिया कि अभी कोर्ट की छुट्टियां हैं ना, इसीलिए कुछ दिन एज एन इंटर्न काम करूंगा। पेरेंट्स को भी कोई दिक्कत नहीं हुई बिकॉज ही वॉज सिलेक्टेड एज एन RJ और छुट्टियां तो थी ही। लेकिन फिर जब धीरे धीरे करके वो काम में घुसने लगे, उस समय रेडियो वॉज नॉट जस्ट अबाउट स्पीकिंग ऑन अ माइक बट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रेडियो प्रोडक्शन, साउंड इंजीनियरिंग एंड सो मच मोर। और जैसे जैसे वो इस पूरे काम में घुसते चले गए, उन्हें ये रियलाइज हो गया कि यार दिल तो यहीं पर है। द मीडिया रियली स्ट्रक अ कॉर्ड विद रोचक बिकॉज हिज अल्टीमेट गोल एनी वे वॉज टू डू म्यूजिक, और इसीलिए ही कंटिन्यूड बींग अ पार्ट ऑफ द रेडियो इंडस्ट्री। सो मच सो कि वो जब मुंबई शिफ्ट हुए तो मैंने और रोचक ने कई सालों तक साथ में एक ही ऑफिस में आमने सामने बैठ करके काम किया। प्रमोशन पे प्रमोशन रोचक को मिलता चला गया और एक समय पर वो मेरा बॉस भी बन गया था। रोचक, इफ यू आर लिसनिंग टू दिस, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग दैट यू टॉट मी।
चलिए फिलहाल यहाँ पर रोचक की बातें भी आगे करेंगे, कुछ रोचक बातें करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको सुनाते हैं नीति मोहन की आवाज में ये खूबसूरत सुरीला गाना. इट्स कॉल्ड संभाल रखिया. सुनते रहिए कारवा क्लासिक्स रेडियो शो. जिस रोज तेरी अखियां मैंने पहली बार तकियां, वो दिन और उसकी घड़ियां रखियां संभाल रखियां. तेनु याद याद करके वे मैं तारियां नु पढ़ के कटियां जो सारी रतियां रखियां संभाल रखियां. रब्बा मेरे जीने की वजह है वो नशा है मेरा दिल तरसे, बारिशें भी बीत गई बिन बरसे, ऐसी ना सजा दे यार वे. तेनु वेख वेख जीलू जी भर के, तेरी ही रहूं मैं यार चाहे मर के, मुझको कारवा क्लासिक रेडियो शो के एपिसोड्स को आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं ताकि आप इसे कभी भी कहीं भी सुन सके और एंजॉय कर सके. रिम झिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी है गन. रिम झिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन, भीगे
रिम झिम गिरे सावन जब घुंघरुओं सी बजती है बूंदे अरमा हमारे पल के न मूंदे जब घुंघरुओं सी बजती है बूंदे अरमा हमारे पल के न मूंदे कैसे देखे सपने नयन सुरग जाए भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी अगन रिम झिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम महफिल में कैसे कह दे किसी से दिल बंध रहा है किसी अजनबी से करे अब क्या जतन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी अगन रिम झिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम रिम झिम गिरे सावन रिम झिम गिरे कारवां क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ। OTT प्लेटफॉर्म की ये फिल्म है म्यूजिक टीचर, जिसके गाने आज हम आपको सुना रहे हैं। फिल्म में दिव्या दत्ता ने भी बखूबी काम किया है एंड शी इज बीन प्रिटी ग्रेटफुल फॉर OTT प्लेटफॉर्म्स। बाय द वे, OTT platforms have actually given a second chance to most actors to rebuild their careers or regain their popularity. However, Divya Datta ke case mein she already had made a mark in Hindi films. Lekin lockdown ke dauran unhone kafi introspection kiya aur apni zindagi ke bare mein socha aur ye decide kiya that now she's only going to choose the movies jo ki unka craft ka excellence hai, jo unka talent hai, wo bakhubi dikha sake. इसी दौरान दिव्या ने OTT के प्रोजेक्ट्स भी किए थे, एक फिल्म फेयर जीता और एक शॉर्ट फिल्म भी की। लेकिन OTT के लिए शी इज बीन ग्रेटफुल बिकॉज उन्होंने OTT डेब्यू किया एंड बैक टू बैक शी वर्क्ड फॉर 5 प्रोजेक्ट्स। लॉकडाउन का समय तो वैसे सभी के लिए बहुत डिफिकल्ट था एंड दिव्या मानती हैं कि अगर ये अपॉर्चुनिटीज उन्हें नहीं मिलती या OTT प्लेटफॉर्म ही नहीं होता तो शी वुडंट हैव नोन हाउ टू पास द टाइम या फिर हाउ टू स्टे अफ्लोट। इनफैक्ट ड्यूरिंग दिस कई बारी ऐसा भी हुआ था कि दिव्या को खुद से एड्स की शूटिंग करनी पड़ती थी, खुद से ही कैमरा लगा करके कुछ शूटिंग वगैरह करनी पड़ती थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ किया, बिहाइंड द कैमरा का काम भी किया एंड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा भी एक्सेल किया।
सो इट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर हर, बट देन ये हम जानते ही हैं कि उन्होंने जो काम किया वो बहुत ही खूबसूरती के साथ किया. एंड टॉकिंग अबाउट OTT प्लेटफॉर्म एंड एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, मानव कौल जो कि फिल्म के लीड एक्टर हैं, उनके किस्से भी आपको जल्द बताऊंगी. वैसे तो हम सब उन्हें एक एक्टर के तौर जानते ही हैं और उनके काम से वाकिफ हैं ही, लेकिन उन्होंने और भी बहुत कुछ किया हुआ है. We'll tell you about all of that, लेकिन उसके पहले सुनते हैं म्यूजिक टीचर फिल्म से जुबिन नौटियाल का मेलोडियस ट्रैक, द मेल वर्जन ऑफ संभाल रखिया. स्टे ट्यून्ड, मैं रुचि आपके साथ. जिस रोज तेरी अखियां मैंने पहली बार तकिया, वो दिन और उसकी घड़ियां रखियां संभाल रखियां. तेनु याद याद करके वे मैं तारियां पढ़ के कटियां, जो सारी रतियां रखियां संभाल रखियां. रब्बा मेरे जीने वजह है वो नशा है मेरा दिल तरसे, बारिशें भी बीत गई बिन बरसे, ऐसे ना सजा दे यार वे, तेनू वेख वेख जीलू जी भर के, तेरा ही रहूं मैं यारा चाहे मर के, मुझको ये दुआ दे यार वे. किस तरह तेरे बिन तू ना जाने, तू ना जाने होना है मेरा बेवजह तेरे बिन, तू ना जाने, तू ना जाने, जाने फिर क्यों उम्मीदा रखिया. पागल रोक सकियां तेरी वेख वेख रहा थकियां ना यार थकियां, तेनू याद याद करके वे मैं तारियां नू पढ़ के कटियां, जो सारी रतियां रखियां संभाल रखियां. रब्बा मेरे जीने की वजह है वो नशा है मेरा दिल तरसे, बारिशें भी बीत गई बिन बरसे, ऐसी ही ना सजा दे यार वे. तेनू वेख वेख जीलू जी भर के, तेरा ही रहूं मैं यारा चाहे मर के, मुझको ये दुआ दे यार वे. Hope you're enjoying the show. इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें. आज के शो के सभी गाने आप सारेगामा कारवां से सुन रहे हैं. सारेगामा कारवां, इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें. तू मिली
क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। म्यूजिक टीचर फिल्म के लीड हीरो मानव गोल इज अ हिडन जेम विद सम इनक्रेडिबल ओटीटी कंटेंट सच एज द फेम गेम, नेल पॉलिश, अजीब दास्तां, जलसा एंड बिग स्क्रीन आउटिंग्स विद फिल्म्स लाइक बदला, थप्पड़, साइना एंड तुम्हारी सुलू। लेकिन मानव सिर्फ एक कन्वेंशनल फिल्म एक्टर ही नहीं बल्कि एक फिल्म मेकर और प्ले राइटर भी रहे हैं। उन्होंने अपना थिएटर करियर 1998 में मुंबई में शुरू किया था। He started with theater, directed a theater play for the longest time, और उसके बाद वो चाहे एक्टिंग करते भी थे लेकिन उन्हें डायरेक्ट करना और ज्यादा पसंद आता था और वो अपने प्लेज लिखना भी पसंद करते थे। उन्होंने इतना सब कुछ एक साथ ही कर लिया था कि एक समय ऐसा आ गया था उनके करियर में जब उन्हें लगा कि यार एक ब्रेक लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, और तब उन्होंने 12 साल का ब्रेक लिया था। आई एम नॉट किडिंग, 12 ईयर्स तक उन्होंने ये सब कुछ जो कर रहे थे, घुसे हुए थे, इमर्स्ड थे अपने परफॉर्मिंग आर्ट्स में और काम में, उन सब से ब्रेक ले लिया था टू फोकस मोर ऑन थिएटर राइटिंग एंड डायरेक्शन, जिसके दौरान ही एक्चुअली रियलाइज्ड हिज पोटेंशियल एंड स्किल एज एन एक्टर। वहां से उस ब्रेक से वापस आने के बाद चाहे उन्होंने थिएटर कंटिन्यू किया लेकिन उसी के साथ उन्होंने ये भी रियलाइज किया कि उन्हें किस तरह के रोल्स ऑन स्क्रीन अब निभाने हैं। बाय द वे, समय में उन्होंने थिएटर प्लेस के साथ साथ किताबें भी लिखी हैं। ही ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड विद शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स, ट्रेवलॉग्स एंड पोएम्स। आज कुछ 20 सालों से मानव कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। इवन दो यू नो
प्रोसेस स्लो था वो मानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आप के ऊपर कुछ भी फोर्स नहीं किया कि यार ये करना जरूरी है, नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा। फोमो कभी नहीं हुआ मानव कौल को। ही डिड एवरीथिंग दैट केम नेचुरली टू हिम एंड दैट इज व्हाई आई थिंक ही इज सच अ नेचुरल एक्टर। यू नो दैट्स द थिंग अबाउट क्रिएटिव पीपल, क्रिएटिविटी कभी भी फोर्स नहीं की जाती, इट जस्ट कम्स टू यू एंड कम्स ब्यूटिफुली व्हेन यू गिव इनफ टाइम टू योरसेल्फ टू प्रोसेस एंड इंट्रोस्पेक्ट योर ओन स्किल्स एंड डिसीजंस इन लाइफ। क्योंकि हर मोड़ पर एक नया रास्ता होता है और नए रास्ते अक्सर हमें मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस दे जाते हैं। इसी बात पर आइए सुनते हैं म्यूजिक टीचर फिल्म से ये अगला गाना पापोन की आवाज में, एक मोड़। सुनते रहिए कारवा क्लासिक्स रेडियो शो। एक मोड़ तू मिली जिंदगी, कुछ देर तो रुकी फिर कहा खो गई। मेरा हाथ थाम ले चल वहां जहां एक हो सके ये आसमां और जमीन। टूटा तारा हूं मैं, गिरता हूं बेवजह तेरे साए में, मांगू मैं पना। ऐसा भी क्या हुआ जिंदगी, मेरी हम सफर बनी फिर हुई अजनबी। एक मोड़ तू मिली जिंदगी, कुछ देर तो रुकी फिर कहा खो गई। एक मोड़ तो मिले जिंदगी, जिंदगी। जैसे कोई टूटा सा पत्ता बहे, ये दिल न जाने क्यों तुझ पे ही ठहरा रहे। बादलों से जब धूप की रेशम किरने बहे, ये दिल न जाने क्यों तुझको ही ढूंढा करे। कैसा लगा आपको ये शो? प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। हर हफ्ते हम कारवा क्लासिक रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं, सो डू ट्यून इन एवरी वीक और सारेगामा म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन भी कर लीजिए ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो।